नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के एक होटल में बाहरी राज्यों से आई शराब की सूचना पर अपने करिंदों को होटल भेजना ठेकेदार को पड़ा महंगा, जमकर हुई पिटाई। जालंधर के कानपुर में 3 बच्चियों की मौत के बाद ग्राम पंचायत और पुलिस ने बच्चियों को दफनाया, बाकी 2 बच्चों को भेजा नारी निकेतन। जिला स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन विधायक व संरक्षक रमन अरोड़ा ने की शिरकत, विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर किया सम्मानित। अरब हलचल विस्तार से। जालंधर के एक होटल में बाहरी राज्य से आई शराब की सूचना पर अपने करिंदों को होटल में भेजना ठेकेदार को महंगा पड़ा। जालंधर के मशहूर शराब ठेकेदार को उसी के करिंदों ने होटल के बाहर जमकर पीटा। दरअसल पिटाई का शिकार ठेकेदार जालंधर में कई ठेके चला रहा है। ठेकेदार की पिटाई की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें पीले रंग की टी शर्ट पहने ठेकेदार की बुरी तरह पिटाई हो रही है। सूत्रों की माने तो होटल में बाहर से शराब लाकर प्राइवेट फंक्शन चल रहा था। बाहर से शराब आने की सूचना पर ठेकेदार ने होटल में रेड करने के लिए अपने करिंदे भेजे, लेकिन करिंदों ने ठेकेदार को फोन पर ऐसा कुछ बरामद ना होने की बात कही, जिसके बाद ठेकेदार ने खुद पहुंचकर होटल में रेड की तो पता चला कि वहां बाहरी शराब मौजूद थी, जिसको लेकर करिंदों के साथ ठेकेदार की बहस हुई। बहस के बाद ठेकेदार को उसी के करिंदों ने होटल के बाहर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जान बचाने के लिए होटल में घुसे ठेकेदार को होटल में जाकर भी पीटा। फिलहाल मारपीट करने वाले लोगों पर पर्चा दर्ज कर लिया गया है, जिस पर बनती कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हमें ना एक कंप्लेंट मिली थी कुनाल साइकिल, ये शराब के व्यापारी हैं, इनकी कंप्लेंट हमें 27 तारीख को मिली है, इनकी लड़ाई 25 तारीख की दरमियान में डाली है, जिसमें इनके आपस में ही जो शराब के ठेकेदार जो करिंदे हैं उनके साथ ये उलझ गए हैं और इनकी आपस में लड़ाई हुई है, जिसकी वीडियो आप मुझे बता दें। इस संबंध में एक मुकदमा हमने दर्ज किया हुआ है हरप्रीत पट्टी और 9 अननोन लोगों के खिलाफ। ये सीसीटीवी फुटेज किसी होटल की है और क्या कारण रहा लड़ाई? ये यहाँ एक प्रसिद्ध होटल है, उसके वहाँ चेकिंग चल रही थी, वहाँ बैंकवेट में कोई पार्टी थी, पार्टी के दौरान जो चेकिंग के दौरान इनकी आपस में कहासुनी हो गई, जिसमें ये लड़ाई की जो वीडियो आपके सामने है। वजह क्या रही? वजह इनका आपस में शराब के एरिए को लेके ही है, बाकी जो भी जिसकी अरेस्ट होगी उसके बाद पता चलेगा। जालंधर के थाना मकसूदा के अंतर्गत आते कानपुर इलाके में 2 दिन पहले ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया था, जिसमें 3 बच्चियों की हत्या के मामले पर दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं आज मकान मालिक सहित पुलिस और पंचायत ने नम आंखों से बच्चों को दफनाया और अन्य 2 बच्चों का पुलिस ने बीते दिन सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस ने अन्य 2 बच्चों को नारी निकेतन में भेज दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले थाना मकसूदा के अंतर्गत आते कानपुर में 3 बच्चियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस संबंधी पुलिस कमिश्नर चाहल और डीएसपी बलबीर सिंह ने बताया था कि आरोपी सुनील मंडल के 5 बच्चे हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गरीबी ज्यादा होने के कारण उसने बच्चियों की हत्या की है। आरोपी ने बताया कि खाने के लिए बच्चे बाहर से गिरा हुआ सामान उठाकर ही खाते थे, गरीबी ज्यादा होने के कारण 3 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं सुरेंद्र सिंह बोलदा जी, ये साढ़े उत्थे मकान च ही रेंदे हन, ते पिछले दिन जिहड़ा इहदे माँ प्यो ने हरकत की थी, वह बच्चियों का कतल कर दिता ही, तो उन्हों का अज ही अंतम जो भी किरिया ही उन्हों की पंचायत वालों तो प्रशासन वालों पुलिस प्रशासन वालों रल के ते मैं नाल होकर सारा अपना काम करवाता जी उन्हों का, तो बाकी जो अगे होगा परमात्मा चलो उन्हों का भला करे, जो अपने वालों ही यही फर्ज निभाता है जी। जो पिछले दिन जी 3 बच्चियों की मौत उन्होंने माता पिता ने जहरीली दवाई देन करके हो गई सी, अज उन्हां नूं दफनाउण वास्ते पिंड कानपुर की पंचायत मोहतवार बंदे अते पुलिस प्रशासन ने अपने तौर पर इन्हां नूं दफनाया है। इत्थे जिहड़ियां 3-4 दिन पहलां 3 बच्चियां दा कतल कीता गया सी मां पेल वालों, वह रियासत विच अज असीं पिंड की पंचायत पुलिस प्रशासन ने रल के उन्हां दा आत्म किरिया
कर दी। हाँ जी, पे पिंड की पंचायत सरदार सुरेंद्र सिंह जिन्हां दे रहिंदे सी उह, उदू बाद पुलिस प्रशासन ने रल के सारा कुछ कर दिता। जालंधर के हंसराज स्टेडियम के कुश्ती हाल में चल रही जिला स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिला किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के संरक्षक एवं विधायक रमन अरोड़ा ने शिरकत की व विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अगले सप्ताह मोहाली में होने वाली पंजाब स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जालंधर जिले के लिए मेडल जीतने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला खेलों का संचालन कर रहे उमेश शर्मा, जिला किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर प्रदीप के सिंह, कुलविंदर कौर, नरेश कुमार, हरविंदर सिंह समेत तकनीकी अधिकारी सुजाता जसी, निर्मल सिंह, यादविंदर, नरपिंदर, प्रीति, प्रेरणा मदान, अंकित गुप्ता, मनदीप कौर समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन के साथ खुशदीप सेठी की रिपोर्ट। खेलों के प्रति जो रुचि अगे ना बहुत ज़्यादा वही वास्ते पंजाब सरकार का और साने वीर जिन्हें भी इस संस्थाव जुड़े स्कूलों के जुड़े ने उन्होंने बहुत बहुत बधाई देना। और जो तुम अपनी मेहनत के नाम पहले कहते पढ़ा लिखांगे तो असी बड़े अफसर बनांगे, पर अज खेलों के भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि तुम तो वे नौकरियां भी पा सकते हो। अपने आने वाला जो समय है, जो तुहाडा भविष्य है, उन्होंने तुम उज्ज्वल बना सकते हैं। इस करके होर मेहनत करो और साडे जलंधर का नाम रोशन करो। जय हिंद। खेडा वतन पंजाब दियां ए पार्ट टू जड़ा कि चल रहा है जलंधर जिले के विच, जिला किक बॉक्सिंग एसोसीएशन के सहयोग के नाल अज असी इत्थे हंसराज स्टेडियम कुश्ती हाल विखे, अज साडा दूसरा दिन है और दूसरे दिन असी लड़कियां दियां फाइटां शुरुआत कीतियां सीगियां, जिहदे विच अंडर 14, 17, 21 साल, 21 तो 40 साल लगभग 150 खिडारियों ने इत्थे भाग लिया। और अज साडे विचकार साडे केंद्रीय जिहड़े जलंधर हल्के दे MLA साहब विधायक रमन अरोड़ा जी, साडे सरप्रस्त भी ने जिला एसोसीएशन दे, उन्हां ने इत्थे पहुँच के खिडारियों नूं बहुत ही बधाई दिती। और अगे आने वाली जड़ियाँ खेडां ने मोहाली विखे हो रही ने 11, 12, 13, 14, 15, जिहदे विच साडे खिडारी जिहड़े कि इत्थों गोल्ड मैडल लैके चुने जाणगे वह जिले जलंधर नूं रिप्रजेंट करनगे। तो जिदा कि पंजाब सरकार ने दस्सिया कि जिन्हां खिडारियों ने गोल्ड मैडल लैना है उन्हूं 10,000, 7,000 ते 5,000 इनामी राशि दिती जाएगी। तो साडा जलंधर तैयार है। सो मैं धन्यवाद करता इन सारिया शख्सियतों जो कि मेरे नाल खड़िया ने, खास करके मेरे ऑफिशियल और साडे टीचर साहबान जिन्हां दे मेहनत सदका अज असी दूसरे दिन इस कंपटीशन नूं पूरा कीता। अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में से नगर सुधार ट्रस्ट द्वारा कार्रवाई कर जनरेटर उठाए जाने पर डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेंटर एसोसिएशन द्वारा विरोध जताया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान हरविंदर पाल और महासचिव संजय वासुदेवा ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में 300 से ज़्यादा SEO हैं जिनमें हजारों युवा काम कर रहे हैं। ऐसे में SEO के बाहर जनरेटर लगाना मजबूरी है। अगर सरकार बिना रुकावट बिजली की सप्लाई करे तो उन्हें जनरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में ट्रस्ट की ओर से उन्हें तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट रंजीत एवेन्यू में हुए अतिक्रमण की ओर ध्यान ना देते हुए उन्हें परेशान कर रहा है, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स वे देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सुनवाई ना हुई तो वे अदालत का दरवाजा खटकाने को मजबूर होंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर दे विच असी लोगों ने बहुत मेहनत करके बड़े वधिया SEOs जिहड़े बना के और इन्हां इत्थे बिजनेस जिहड़ा अपना चलाया सारिआं ने, और बहुत औखे टाइम दे विच वी असी इत्थे जिहड़ा ओह करदे रहे, टाइमली टैक्स पे करदे आ, हर गलों लॉ अवॉइडिंग हैगे आ। बट जदों साडे नाल कोई भी इशू जिहड़ा गवर्नमेंट वल्लों अथॉरिटीज़ वल्लों टेकअप कीता जांदा, मैनूं अफसोस नाल कहना पैंदा कि ओह बिल्कुल इदां पैनिक रिएक्शन करदे हैगे ने। इह जिहड़ा जनरेटर्स दा इशू हैगा, इनक्रोचमेंट जिहड़ी असीं उहदे अगेंस्ट आ। असीं नहीं चाहुंदे कि इनक्रोचमेंट जिहड़ी हैगी ओह किसे जगह ते वी होणी चाहीदी है, बट सिर्फ इक जनरेटर्स दी इनक्रोचमेंट तां नहीं ना हैगी। जनरेटर्स जिहड़े ने ओह किसे दी वी कोई ख्वाहिश नहीं है वी असीं जनरेटर जिहड़े ने कोई अपनी ब्यूटीफिकेशन लई रखे ने जां अपने बिजनेस वधाउण लई रखे ने। साडी मजबूरी है, सानूं
ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਾ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। पंजाब सरकार द्वारा किसानों को धान की कटाई के बाद पराली को ना चलाने के आदेश दिए थे, लेकिन किसान अपनी अगली फसल जल्द लेने के चक्कर में लगातार अपने खेतों में पड़ी पराली को जला रहे हैं। इस संबंधी किसानों का ये कहना है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो नए उपकरण खरीद सके, इसलिए मजबूरी में उन्हें पराली जलानी पड़ती है। जालंधर से पंकज शर्मा। झोने की वाढ़ी का काम शुरू हो चुका है तो झोना मंडियों भी जान लग गया, पर किसान हजे भी जिहड़ी पराली हैगी आ, जिहड़ी उहदी बची खुची झोने की बच खुच हुंदी आ, उहनूं अग लगाउण तों बाज नहीं आ रहे। हालांकि सरकार वल्लों बार बार अपील की जा रही कि पराली नूं अग ना लाई जाए। असीं इस वेले जलंधर के पिंड पुजे हाँ राणी पट्टी दे विच, उत्थे वाइस प्रैजीडेंट जिहड़े हैगे आ दुआबा किसान यूनियन दे, उहनां नाल गल कर रहे हां। सर, काफ़ी अपील जिहड़ी हैगी आ मुख्यमंत्री वल्लों की जा रही है, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਈਏ, ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟਦੀ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ 100% ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 50 ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ 10% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਰ ਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠਾ ਇੱਟਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ 20% ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਫੀ 50% ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਰਦੇ ਜੀ, 29 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, 1 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੇ ਜੋਵਨ 'ਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਬੇਲਰ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਨਾਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਲੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਬੇਲਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆਂ। कहते हैं कि बुरा वक्त सब कुछ दिखा जाता है कि कौन अपना है कौन पराया, ऐसे ही हालात हैं कुछ इस वक्त जालंधर में अपना छोटा सा ढाबा चला रहे बलजिंदर कौर के, जिसके पति की मृत्यु 9 महीने पहले हो गई थी, जिसके बाद ना ही परिवार वालों ने उसका साथ दिया और ना ही रिश्तेदारों ने। घर और ढाबा दोनों ही किराए पर हैं और हालात ऐसे हैं कि दोनों का किराया देने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। उसके 2 बच्चे हैं जो घर में अकेले एक दूसरे को संभालते हैं, क्योंकि पेट पालने के लिए माँ दिन रात ढाबे में काम करती है। हमारी टीम से बातचीत करते हुए बलजिंदर कौर ने बताया कि बीमारी की वजह से 9 माह पहले उसके पति की मौत हो गई थी। मौत से पहले वे दोनों मिलकर ढाबा चलाते थे और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो सभी परिवार वाले और रिश्तेदार उनसे दूर हो गए, कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया और आज हालात ये हैं कि बड़ी मुश्किल से वह घर और ढाबे का किराया निकाल रही हैं। कई बार तो किराया देने के लिए पैसे भी उधार लेने पड़ते हैं। उसका सपना तो ये था कि बच्चों को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाए, लेकिन अब वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रही है और उसके बच्चे खुद ही एक दूसरे को संभालते हैं। आगे बातचीत करते हुए उसने कहा कि अकेली महिला का काम करना बहुत मुश्किल है, सुबह से लेकर वह शाम तक काम करती है, कई बार तो हालात ऐसे होते हैं कि खाने तक के पैसे नहीं बचते तो बिना खाए ही दिन गुजारने पड़ते हैं।
तो वही उसने सरकार से गुहार लगाई है कि उसके बुरे हालातों को देखते हुए उसकी मदद की जाए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सानू 15 साल हो गए काम करते हैं, तो असी रेंट पर रह रहे ना, साडा घर आ, दुकान भी रेंट पर आ, घर भी साडा रेंट पर आ। सानू सरकार वालों कोई ना कोई सहायता मिले, तो मेरा पति भी पूरा हो गया है, उन्होंने अटैक हो गया है, 2 बच्चे आ छोटे छोटे, तो मैं आप मार्च मार रही हाँ। कोई ना कोई सरकार मेरे वास्ते सहायता करे, मैनू कोई रहन दी टिकाणा दे। बच्चे पढ़ते सरकारी पाए, मैं प्राइवेट नहीं पाए, मेरे को खर्चा है नहीं। हाँ जी, ढाबे का काम कर रहे, माड़ा मोटा अपना गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी, बच्चा है 1 7 साल का, कुड़ी हैगी 15 साल। हाँ जी, वह हो गए 9 महीने हो गए उन्होंने डैथ हुई। गुजारा कितने होंगे, इदा ही टाइम पास कर दी मैं अपना, हम कले असी एडम कोई हाँ साथ नहीं देता। टाइम कोई भैन भरा भी नहीं साथ देता, सारे पिछा छड़ गए, कोई नहीं साथ देता साडा। सानू पता कि मैं अपना गुजारा कर दी, कि अपने बच्चे पाल दी मैं, मैनू पता कि अपना गुजारा कर दी, घर का किराए दे रही हाँ, मैं फट के किराया देनी हाँ, वो किस्तां देनी है, मैं हार के, मैनू पता मैं अपना गुजारा किदा करदी हाँ। 7,000 कमरे का किराया है, तो 4,500 दुकान का किराया, मैनू पता किदा मैं अपना हल करदी हाँ, मैनू पता किदा गुजारा अपना करदी हाँ, अपना टाइम पास करदी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कई बार सोचती जे मैनू कुछ हो गया मेरे बच्चों को कौन देखूगा। बहुत मुश्किल आ, मैं आप मार्च मार रही नहीं, मेरा कोई पता नहीं बंदे का कदों सांस निकल जाने, मैं नहीं, मैं कोई ना कोई टिकाणा मिल जाए मैं रहने वास्ते, मैं सरकार को ना कोई मेरी सहायता करे। अमृतसर के थाना सदर मजूठा रोड में गत रात्रि एक सीमा नामक महिला ने आरोप लगाते हुए शिकायत दी है कि उसका विवाह वर्ष 2016 में अमृतसर के मजूठा रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी निवासी फौजी जर्मनदीप सिंह के साथ हुआ था, जो कि बठिंडा कोर्ट में ड्यूटी पर तैनात है। उसने कहा कि पहले तो उसने इस विवाह को छिपा कर रखा और आर्मी के अधिकारी उसे गुमराह करते रहे, और अब जब वह अपने पति से संपर्क करना चाहती है तो ना ही पति द्वारा उसका फोन उठाया जाता है और ना ही वह उससे मिलता है, क्योंकि उसका एक इंश्योरेंस कंपनी की लड़की के साथ संबंध है और उसे संदेह है कि वह उससे दूसरा विवाह तक करवा चुका है, जिस संबंधी उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर इंसाफ की मांग की है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं जब इस संबंध में पुलिस जांच अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी ओर से दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं और बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम सीमा है जी। तो क्या हुआ, क्या? मैं मेरठ से आई हूँ। मेरी शादी 2016 में मेरे हस्बैंड जर्मनदीप के साथ हुई थी, जो कि अमृतसर मजूठा रोड के रहने वाले हैं, इंदिरा कॉलोनी के जी। वो आर्मी में है, 3 मीडियम में, और 3 मीडियम में जॉब करते हैं बठिंडा कैंट में इस समय। उन्होंने मेरी शादी को छुपा के रखा हुआ है जी। मैं पुलिस प्रशासन से हेल्प मांग रही हूँ, कल रात से मैं थाने में हूँ, पुलिस प्रशासन ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के घर जाने की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे लेके जाने के लिए भी मना कर रहे हैं। मुझे 3 मीडियम ने भी मुझे बहुत धोखा किया मेरे साथ। जिस समय मेरे हस्बैंड पे मेरा केस चल रहा था सिविल में, मैंने 3 मीडियम को रिक्वेस्ट की कि मैं शादी नहीं करूँगी अभी। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मुझे मोटिवेट किया कि शादी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस आधार पर मैंने शादी की। शादी करने के बाद फिर मैंने पार्ट टू ऑर्डर की जिद हुई। पार्ट टू ऑर्डर करा के इन्होंने बोला कि अभी पार्ट टू ऑर्डर हो गया, केस ख़त्म करो। मैंने उस आधार पे भी केस ख़त्म कर दिया। अभी जब मेरा केस ख़त्म हो गया है, सीओ साहब मुझे ज़बरदस्ती, मेरे हस्बैंड और सीओ साहब 3 मीडियम के मिस्टर गयान, वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि तू डाइवोर्स फाइल कर, तू लड़के को डाइवोर्स दे। सर मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो रही है, मेरे ना तो ब्रदर है ना मेरे फादर है। मैं आपके हस्बैंड ने दूसरी मैरिज की है, रिलेशनशिप में रह रहे हैं किसी के साथ? सर कोई तानिया नाम की लड़की है जिसका मैंने फ़ोन पकड़ा था, वो अभी SDFC लाइफ इंश्योरेंस माल रोड की ब्रांच में है। मेरे हस्बैंड अपने घर आने के बाद कभी मुझे नहीं बताते कि वो छुट्टी आए हुए हैं या फिर किसी लड़की के साथ में, ना ही मेरा फ़ोन उठाते हैं। जब भी मैं बात करने की कोशिश करती हूँ मुझे गालियाँ देके फ़ोन काट देते हैं या मुझे ब्लॉक करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं।
इस आधार पे सर मुझे डाउट है कि मेरे हस्बैंड ने कहीं दूसरी मैरिज तो नहीं करी है। मैं इसलिए पुलिस प्रशासन की हेल्प लेकर के उसके घर जाना चाहती थी लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली है। सीमा जी लड़की है, ये मेरठ की रहने वाली है। ये उत्थे आर्मी के एक गाही लड़का जरमनजीत सिंह उत्थे इन्हों की शादी हुई है, ठीक है। तो उत्थे इन्हों का डिस्प्यूट है आपस में, दोनों का कोई लड़ाई झगड़ा है। संबंधी दरखास्त आई ही मेरे को, वो संबंधी मैं दोवे धिरों सुनिया तो बयान हासिल कर लिया। जो बंदा होगा तस्दीक करके तो रिपोर्ट बना के अफसर पेश की जाएगी। अमृतसर में जैन समाज के महाराज संत सुदर्शन जी के जीवन पर आधारित फिल्म रिलीज होने पर जैन समाज के लगभग 450 परिवार इकट्ठे फिल्म देखने के लिए आए। इस मौके पर फिल्म देखने आए जैन समाज के लोगों ने कहा कि महाराज संत सुदर्शन जी के जीवन पर आधारित फिल्म को बाकी समाज के लोगों को भी जरूर देखना चाहिए। इससे उन्हें संतों और ऋषि मुनियों के राह पर चलने की सीख मिलेगी और उनका जीवन सार्थक होगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर की इस गुरु नगरी में जैन समाज का एक पुण्य उदय हुआ है कि हमारे उत्तर भारत के जन जन की श्रद्धा के केंद्र संत शास्त्रा गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की जीवन पर एक फिल्म आज रिलीज हुई है, जिसको पूरे अमृतसर जैन समाज, जिसमें अमृतसर एसएस जैन सभा सिविल लाइन के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से लगभग 450 के करीब लोग एक साथ इस फिल्म को देखेंगे और गुरुदेव ने हमें क्या दिया है इस फिल्म के माध्यम से जानेंगे, हमारी युवा पीढ़ी जानेगी। इसमें विशेष रूप से साथ में जंडियाला श्री संघ और पट्टी श्री संघ भी आमंत्रित है हमारे समाज की तरफ से। बोलिए गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की जय। संघ शास्त्रा पूज्य गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज के शिष्य तप संयम और साधना की मूर्त श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज के जीवन चरित्र पर बनी है जो मूवी है, आज सारा जैन समाज एकत्र होकर भारी संख्या में इसको देखने आया है और आम जन को भी ये मूवी देखनी चाहिए। इसमें गुरुओं का जो जीवन है उससे जो सीख मिल रही है, वैसे ही हमारी जो धरती है भारत की धरती गुरुओं मुनियों कोई गंभरों की धरती है और यहाँ पे ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं जिनके चरित्र से हम सीख कर अपने जीवन को सार्थक करते हैं। मैं यही अपील करता हूँ आज जैन समाज के साथ सभी मिलके ये मूवी को देखें और अपने जीवन को सार्थक करें। गुरु सुदर्शन लाल जी के जीवनी पर पिक्चर बनी है और ये पहली बार ही हुआ है कि जैन संत के जीवनी पर पिक्चर बनी है और इसे पूरे हिंदुस्तान ने बड़ा प्यार दिया है। पिक्चर को पूरी तरह लोगों ने अपना स्नेह दिया है और हम यही आशा करते हैं कि जैन कम्युनिटी के अलावा भी दूसरी कम्युनिटी इसे पिक्चर देखने आए ताकि हमारे गुरुओं की जीवनी के बारे में हर जिनको पता चलना चाहिए कि गुरुओं की जीवनी क्या है, जैन संतों की जीवनी क्या है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बाल व युवा गायकों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र, कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। We'll be right back.
गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार हरनामदासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय तिलक राज को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे गौरव ने दी। इस अवसर पर जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष सूद, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी प्रेम रानी, सुखदेव राज, हिमांशु, कमला रानी, श्वेता राजपूत, रोजी राजपूत सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय तिलक राज को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के एक होटल में बाहरी राज्य से आई शराब की सूचना पर अपने करिंदों को होटल भेजना ठेकेदार को पड़ा महंगा, जमकर हुई पिटाई। जालंधर के कानपुर में तीन बच्चियों की मौत के बाद ग्राम पंचायत और पुलिस ने बच्चियों को दफनाया, बाकी दो बच्चों को भेजा नारी निकेतन। जिला स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन विधायक व संरक्षक रमन अरोड़ा ने की शिरकत, विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर किया सम्मानित। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।